हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। घर का सारा काम हो गया है, आज आपको वो नहीं दिखाऊंगी। मैंने कुछ दिन पहले आपको व्लॉग में बताया था कि मेरे प्लांट रखे थे सीढ़ियों पे और वो बिल्कुल मुरझा गए थे। अब कल रात को मैंने देखे सारे प्लांट यहाँ हूँ रखे हैं। अब इनके और जो सीढ़ियों पे बाकी बचे हैं वो, और जो पार्किंग में वो, और जो छजली पे हैं वो, बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास। उनकी सबकी जितनी हो सके आज मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि ये देखिए सर्दी की वजह से मेरे सारे पौधे कैसे हो गए, मुरझा गए हैं, बिल्कुल सूख गए हैं। जो कल किचन में आपको, कल परसों मैंने व्लॉग में किचन में दिखाया था कि एक टहनी टूट गई है और उसको मैंने ग्लास में रखा हुआ था, वो इसी प्लांट की टहनी है। तो अब इनकी कटिंग और छटाई करूंगी। इतनी मेहनत से प्लांट उगाए जाते हैं, जब ये मुरझा के देखिए ऐसे हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये देखिए ये टहनियाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सीढ़ियों पे रखे थे तो कोई आता जाता हाथ पैर लग जाता है तो नाजुक होते हैं। टहनी बहुत सारी टूट भी चुकी हैं और पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। ये देखिए बिल्कुल मुरझा रखा है मेरा प्लांट, देखिए। और ये सबसे अच्छा प्लांट था, इतना बड़ा और हरा भरा हो गया था। आज मेरा आधे से ज्यादा दिन इनके साथ ही जाएगा, क्योंकि किचन का और घर का सारा काम खत्म कर दिया मैंने पहले ही, इसलिए मैंने सोचा मैं फ्री होके अपने प्लांट्स में लग जाती हूँ। बच्चे आने से पहले अपना ये सारा काम मैं खत्म कर दूंगी। ये देखिए कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल में मैंने इस पौधे को उगाया था और इतना ऊपर इसने ग्रो इतना नहीं किया। और देखिए जड़ कितनी लंबी बोतल से बाहर आ रही है यहाँ से, और ये देखिए कितनी लंबी है। मैंने अपने सारे पौधों की देखिए कटिंग कर दी, एक्स्ट्रा जो भी था वो भी काट दिया। जड़ निकली हुई थी किसी के, प्लांट के पत्ते सूखे हुए थे, सारी कटिंग करके सारे पौधों की मैंने खुदाई कर दी। इसमें अभी खाद नहीं डाला है, किसी दिन मैं कोको बीट लाके इसमें आराम से अच्छे से खाद डालूंगी। ये पर्पल हार्ट का पौधा, आप एक टहनी लेके आएंगे तो भी उससे बहुत सारे गमले भर जाएंगे। ये इतनी जल्दी ग्रो करता है और बहुत अच्छा लगता है। अब की बार कोशिश करूंगी मैं एक दो फूल के प्लांट लेके आऊं, मेरे पास अभी वो भी नहीं है एक भी। ये देखिए मैंने इसकी सारी टहनियां काट दी, इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि बिल्कुल सूख गया और वो इतना अच्छा हरा भरा लाल और हरे पत्तों का था, बड़ा अच्छा लगता था गार्डन में। और ये एक्स्ट्रा की मैंने सारी टहनियाँ रख ली, ये मैं आपको अभी बताऊंगी आगे के व्लॉग में मैं इससे क्या करूंगी। ये है स्नेक प्लांट जो हवा को अच्छे से साफ कर देता है, इसको ज़रूर रखना चाहिए अपने गार्डन में। देखिए सारा प्लांट सूख गया और मिट्टी से कैसे भरा हुआ है, काफ़ी टाइम से इनकी सफाई नहीं हुई। मैंने सारे प्लांट को झाड़ दिया अच्छे से और देखिए इसकी सारी छटाई कर दी, एक्स्ट्रा के पत्ते काट दिए। कितना भारी भरकम था, पत्तों के साथ तो और भी अच्छा लगता था, अब सूख के कैसा हो गया है। थोड़े बहुत पौधे हमेशा घर में कुछ ना कुछ हमें हमेशा रखने चाहिए। ठंड की वजह से देखिए पौधा बिल्कुल सारा चटक गया, मेरे ज्यादातर गमले, ये ग्रोथ की वजह से भी है और वैसे भी देखिए क्योंकि प्लास्टिक है, ठंड की वजह से इधर से और इधर से। अब मुझे ये कुछ पौधे चेंज करने पड़ेंगे नए गमले में, नए लाती जब उसमें चेंज करूंगी। सारे पौधों को मैंने बाहर बालकनी में रख दिया और मैं यहाँ की सफाई करने लगी। ये देखिए कितने पत्ते झड़ गए थे, अच्छे से सारी सफाई करने के बाद यहाँ से, और फिर मैं बालकनी में जाऊँगी बचा हुआ काम करने के लिए। कितने सारे पत्ते झड़ गए ये सारे, और बहुत दिनों से झड़ भी रहे थे, सीढ़ियों में रोज झाड़ू में निकल रहे थे। अब ये देखिए मेरी अच्छे से सफाई हो गई। देखिए सारे पौधे मैंने अपनी बालकनी में रख दिए हैं यहाँ से, और भी नीचे है। और ये देखिए अब ये तो सारे पौधे मैंने ठीक कर दिए, लेकिन वो कोने वाले नहीं रखे। अब इनकी छटाई करके इनको अच्छे से मैं धो दूंगी, क्योंकि डस्ट बैठा हुआ बहुत दिनों से, इनसे ठीक से पानी नहीं पड़ा है, तो अब मैं इनको अच्छे से धो दूंगी। साथ के साथ मेरी बालकनी भी हो जाएगी, और ये होता है तब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी कितनी अच्छी लगेगी हरी भरी। मैंने अपने पौधों को पानी से धो दिया क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा हो रखी थी इनपे, सोचा ऊपर से पानी डाल दूं स्प्रे से, लेकिन नहीं, सोचा अच्छे से धो दूंगी तो बहुत सुंदर लगेंगे और इनमें एक साथ पानी भी चला जाएगा तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और मैंने अपनी छजली भी साफ कर दी, बालकनी मैं बार-बार सॉरी मेरे मुंह से छजली निकलती है, बालकनी होता है। और ये देखिए मैंने अपनी बालकनी धो दी, हवा बहुत तेज चल रही थी और इतनी ठंडी लग रही थी, और क्योंकि ठंडा पानी था उसमें ठंडी हवा लग रही थी, बैल पैर मेरे बिल्कुल सुन्न हो गए थे। ये देखिए बालकनी बिल्कुल साफ हो गई है, हवा कितनी तेज चल रही है हमारा, देखिए नीचे इतनी जोर से और इतनी अच्छी आवाज आ रही है।
ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई है। यहाँ से मुझे देखिए बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडा पानी था, हाथ और पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। ये वो पौधे हैं जो मेरे सीढ़ियों पे रखे थे, हाँ जो पार्किंग में है वो अभी मैंने नहीं छेड़े, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, उनके खाली खाना भी बनाना है, तो अभी मैंने इतना कर दिया और बाकी का काम किया है उसमें इतना ज़्यादा लेट हो गए। जो कटिंग मैंने कुछ की थी वो कटिंग मैंने फेंकी नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप पौधे उगाते हैं तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो ये कुछ देखिए मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग की थी कुछ प्लांट्स की मैंने उठा के रख ली, इनको मैं अच्छे से फिर से पानी में डाल के रख दूंगी और कुछ नए गमले ला के फिर मैं उनमें इनको बो दूंगी। मुझे पेड़ पौधे रखना और उनका ध्यान रखना और उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना अच्छा लगता है। तो आज का ये था मेरे पौधों का व्लॉग, आगे आप पूरे दिन का भी व्लॉग देखेंगे। चलिए हम क्या क्या करते हैं ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अपने पौधों का काम खत्म करके मैं आ गई किचन में, अभी नहाई नहीं हूँ, हस्बैंड नहाने गए तो वो आएंगे जब नहाऊंगी, उन्होंने कुंडी लगा रखी है, हवा बहुत तेज थी तो गेट जोर से शोर कर रहे थे। अब किचन में आई हूँ तो सोच रही हूँ देखो क्या बनाती हूँ, क्योंकि बेटी बहुत दिनों से बोल रही थी इडली के लिए, फ्राइड इडली के लिए। अब सुबह मम्मी पापा ने खाए आलू गाजर मटर और रोटी, हस्बैंड के लिए बनी है खिचड़ी, मैं और हस्बैंड खाएंगे खिचड़ी और बच्चों के लिए बनाऊंगी मसाला इडली। अगर नहीं बनाई तो बेटी चिल्लाएगी, दो तीन दिन से कह रही है मुझे इडली खानी इडली खानी है। कभी कभार बच्चे कुछ फरमाइश करते हैं तो पूरी कर देनी चाहिए। मैं जरूर बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ, ग्रेप्स खा लीजिए, उसे इडली काफी पसंद है। तो अब खाने में उसके लिए तैयारी करती हूँ क्योंकि वो 2 बजे आएगी और इतना टाइम लग जाएगा इडली बनाने में, 1:30 बजे बेटा आ जाता है, 2 बजे बेटी आएगी। अब वो काम खत्म करती हूँ किचन का, फटाफट लगती हूँ। अंगूर खाते खाते मैंने अपना किचन का काम चालू किया। ये देखिए मैंने इडली का बैटर पहले से भेज दिया था, इसे थोड़ी सी दही और पानी के साथ भेजते हैं, इंस्टेंट है, आधे घंटे के अंदर फर्मेंट हो जाता है, बल्कि उससे पहले ही हो जाता है और आप आराम से इडली बना सकते हैं। राइस भिगो के पीस के और उसमें बहुत झंझट और टाइम चला जाता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। मेरे बच्चे इडली बहुत खाते हैं इसीलिए मैं हमेशा एक पैकेट अपने फ्रीजर में रखती हूँ, फ्रीज में नहीं क्योंकि खराब हो सकता है, फ्रीजर में रखती हूँ और हमेशा कभी भी मन करता है बच्चों को तो निकाल के बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने अपने किचन की सफाई कर दी और मेरे देखिए 3-4 राउंड में ये इडली बन के तैयार हो गई, गर्म गर्म थी और ये इतनी गर्म थी 1-2 बार मेरे हाथ से भी गिर गई। बनके बहुत अच्छी होती है, जैसे आप बाहर खाते हैं बिल्कुल सेम वैसी ही बनती है, इसमें कोई वो नहीं होता, नॉर्मल स्पंजी से इतनी होती है, आप सांभर के साथ नारियल की चटनी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। स्कूल से आके मेरी बेटी कई बार जैसे या शाम को उसका मन करता है तो वो बोल देती है कि मुझे फ्राइड इडली खानी है, तो मैं फटाफट बना देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बेटा स्कूल से आ गया और मैंने उसके लिए जूस बनाया, ये मैंने छुपके बनाया, वो संतरे का जूस पी लेता है लेकिन गाजर का जूस बिल्कुल नहीं पीता और उसकी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने छुपके से फटाफट उसके लिए एक गाजर मिला के जूस बना दिया। और इस 1 गिलास जूस बल्कि उसको तो मैंने आधा ही दिया था और आधा गिलास जूस पीने के लिए उसने आधा घंटा मेरा ख़राब कर दिया और फिर भी नहीं पिया, कह रहा मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने केचप रख रखा था कि बोला मैं फ्राइड इडली नहीं खाऊंगा, मैं केचप के साथ खाऊंगा, और मैं उसको जूस दे के आई, इडली दे के आई, वो सिंपल सिंपल इडली भी ऐसे नमक की खा लेता, उसके साथ उसे कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। और मैं बेटी के लिए इडली छोंकने लगी, मैंने जल्दी से कड़ी पत्ता राई और प्याज डाल के हरी मिर्च के साथ इसे फ्राई कर दिया, थोड़े से मसाले डाले, देख और ये खाने में इतनी अच्छी लगती है, आप कभी बना के देखिएगा, आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो टिफिन में बना के लेके जा सकते हैं। मैं हो गई तैयार अभी, मैं हो गई तैयार अभी मम्मी बोली कि आज बुधवार है, माता नहा के आनी है, तो मैं जा रही हूँ माता नहाने के लिए। हमारे एक गाँव की माता है, मैं आपको दिखाती हूँ माता नहा के आते हैं, जा रही हूँ माता नहाने। पहले सोचा शूज पहन लूँ, फिर माता नहाने के लिए पैर को हाथ लगाना पड़ेगा निकालने और पहनने में परेशानी हो जाएगी, इसलिए अब चप्पल ही पहननी पड़ रही है। हम निकल गए रास्ते में, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था और ये पहुँच गए हम अपनी पहली माता पे। ये देखिए ये हमारी सबसे पहली बड़ी माता है, इनको मैंने आराम से तिलक लगाया, नहलाया और प्रसाद चढ़ाया और हम दूसरी माता की तरफ निकल लिए। गांव में अंदर अंदर छोटी छोटी बहुत सारी गलियां होती हैं, उनमें निकलते हुए और यही रास्ते में मेरी जेठानी मुझसे टकराई थी।
वो देखिए अंदर माता नहा के वापस आ रही थी और मैं जा रही थी। और ये देखिए छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी गांव के अंदर की बहुत छोटी छोटी गलियां होती हैं। अब इन गलियों में कोई भी गांव के नहीं रहते, मोस्टली सारे किराएदार ही हैं। ये हमारी दूसरी माता, ये देखिए एक गांव के बीच में थी और एक ये सेकंड है। और जो तीसरी वाली है वो मैं शायद शूट नहीं कर पाऊँ क्योंकि गांव के बीच में है, तो ये आपको दिखाती, हो सका तो दिखाऊंगी, नहीं तो शायद मुश्किल होगा। आप भी हाथ जोड़ लीजिए, हमारी तो मानता है। मैं माता नुहारी और बीच में रास्ते में मिल गई हमारी देवरानी और जेठानी। देवरानी तो नहीं एक्चुअली, जेठानी और जेठ के लड़के की बहू। देवरानी मेरी एक भी नहीं है, सारी जेठानी है। जितनी भी हैं परिवार में मैं सबसे छोटी हूँ। ऐसे जब माता नहाने या कहीं भी धोख बालने जाते हैं तो परिवार के मोस्टली टकरा ही जाते हैं। गांव का सारा रास्ता पार करते हुए आ गए हम घर की तरफ। ये रास्ते में पड़ती हमारी तीसरी माता। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मैंने देखिए शूट कर लिया। सामने वाली औरत आ रही है, वो भी हाथ जोड़ रही है, इस पर अपने जोत जलाई। ये देखिए मैंने अपना पूरा दिन का व्लॉग शूट किया। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ कुछ मीठे के साथ। थैंक यू।